हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो डेली बेसिस पे मैं करा रही हूँ। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करके अपना स्कोर चेक कीजिए। यह सेट ए का अभ्यास 8 है। इस तरह के सेट 15 से 16 हैं। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं और कुल मिलाकर के 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन हैं दोस्तों। और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो चाहे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, या एमपी टेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, तो दोस्तों अपना स्कोर चेक कीजिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। यदि जो आप नोट्स बनाए हैं, नोट्स से पढ़े हुए हैं, जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, उस सब का स्कोर मेरे साथ प्रैक्टिस करके कीजिए। तो दोस्तों, आप यदि थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं हर एक टॉपिक का, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टॉपिक को पढ़िए डिटेल में, और एमसीक्यू दीजिए, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सभी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। अब मैं मिक्स सभी चैप्टर को टॉपिक को सम्मिलित करके मैं ये आपका प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ, जिससे आपका स्कोर चेक हो सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें सरल ग्रंथि सिंपल ग्लैंड कौन है? तो यहाँ पे आपका इसके कहने का मतलब है कि सरल ग्रंथि यानी सिंपल ग्लैंड है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, यह हार्मोन स्रावित करता है। इसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, सेक्स ग्रंथि आदि आते हैं। और एक होता है वह स्रावी या एग्जोक्राइन ग्रंथि, जिसमें एंजाइम स्रावित होता है, जिसमें हमारा लीवर, लार, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि आता है। एक होता है मिक्स ग्रंथि, जिसे जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं, तो उसमें आपका आता है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परवलयिक प्रक्षेप पथ है? तो दोस्तों, यह बात कर रहा है परवलयिक प्रक्षेप पथ जो होता है, सेतु जैसा, ब्रिज जैसा होता है। यानी कि सेतु जैसा, ब्रिज जैसा, जैसे कि यह आपका परवलय है, इस प्रकार का आपका होता है। जैसे हम कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो परवलयाकार फेंकते हैं, तो वो अधिक दूरी पर जाता है। अगर सीधे वर्टिकल फेंकते हैं तो वो अधिक दूरी नहीं जाता है, सीधे ऊपर की तरफ जाता है। तो यह दोस्तों आपका प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपण से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि जेवलिन थ्रो हो, शॉर्ट पुट हो, डिस्कस थ्रो आदि को इस कोण पर, इस एंगल पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे, इसका ज्ञान हमें प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपण के अंतर्गत होता है। यानी दोस्तों, जैसे ये किसी वस्तु के यदि 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करती है, यदि 90 अंश के कोण पर फेंका जाए तो कोई भी दूरी तय नहीं करती, अर्थात प्रक्षेपण शून्य होता है। तो दोस्तों, प्रक्षेपण जो प्रक्षेपण के प्रारंभिक यानी कि ये आपका प्रारंभिक बिंदु से दूरी तथा अंतिम दूरी के मध्य के बीच को हम इसको कहते हैं, इन दोनों के बीच के कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज बोलेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि एक परास शब्द आता है, यानी किसी वस्तु द्वारा फेंके जाने पर जब फेंकी गई वस्तु अपने अधिकतम ऊंचाई पर होती है तो उसे परास नाम से जाना जाता है। ट्रेजेक्ट्री दोस्तों, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है कि फेंकी गई वस्तु के उड्डयन पथ, जो ये उड्डयन पथ है, ठीक है, को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। तो ट्रेजेक्ट्री तीन प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री तीन प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है ऊर्ध्वाधर, कोई ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। इसमें आपको फेंकी गई वस्तु एकदम ऊर्ध्वाधर जाती है, यानी वह वस्तु 90 अंश के कोण पर फेंकी गई होती है, इसमें वस्तु सीधे ऊपर या सीधे नीचे जाती है, फेंकी जाती है। किसी भी वस्तु को 90 अंश के कोण पर फेंकने पर उसका जो प्रक्षेपण होता है वह शून्य होता है। अब एक होता है आपका, दूसरा होता है परवलयाकार ऑब्लिक्यू ट्रेजेक्ट्री, जो वलयाकार होती है, ठीक है। यदि प्रक्षेपण का कोण परवलयाकार हो तो उसे ऑब्लिक्यू ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसे 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है, जिसे अधिकतम दूरी तय करती है। एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल, इसमें प्रक्षेपण का जो कोण होता है शून्य होता है।
तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? परवलयाकार, जिसमें 45 अंश के कोण पर फेंका जाएगा, 90 अंश के कोण पर शून्य होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर प्रक्षेपण का कोण 30 अंश है तो प्रक्षेपण पथ क्या होगा? तो 30 अंश ऐसे ही हो जाएगा आपका, इस प्रकार से 30 अंश हो जाएगा। तो प्रक्षेपण पथ कैसा होगा? प्रक्षेपण पथ जो है वो परवलयाकार होगा। तो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अटलांटो पश्च कपाल अस्थि, यानी कि अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट जो है ये है, ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में होता क्या है, जैसे कि दोस्तों मैं उत्तोलक के बारे में बताई हूं कि इसका मैं एक ट्रिक बताई हूं, एफ ए आर, यानी 312। ए के नीचे आपका एक है, मतलब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ए आपका होता है बीच में, एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में दो कहां लिखा है? आर के नीचे। आर मतलब रेसिस्टेंस यानी भार। भार जब बीच में रहे फोर्स और एक्सिस के तो आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। एफ के नीचे क्या है? थ्री, यानी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में एफ यानी फोर्स जो होता है बीच में होता है, बल बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को संतुलन का लीवर कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को बल का लीवर कहते हैं और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को गति का लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की पदांगुलियां ऊपर उठाना, यानी पंजों पर खड़ा होना किसका उदाहरण है दोस्तों? पैर की पदांगुलियां को ऊपर उठाना, अपने पैरों उंगलियों पर खड़ा होना किसका उदाहरण है? इसको प्लांटर फ्लेक्शन भी बोलते हैं दोस्तों, पंजे के ऊपर खड़े होने को। तो यह आपका उदाहरण है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का। किसका उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी के सेकेंड ग्रेड लीवर का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पंजों के ऊपर खड़े होने में क्या हो रहा है, इसमें जो टखने का ज्वाइंट है एक्सिस का काम कर रहा है और पास की पेशी जो है बल का काम, फोर्स का काम कर रहा है, यानी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? जो रेसिस्टेंस होता है एक्सिस, रेसिस्टेंस यानी भार होता है, वो एक्सिस यानी एक्सिस एंड फोर्स के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चप्पू और बेलचा उदाहरण है दोस्तों। चप्पू और बेलचा से जब आप मिट्टी उठाते हैं तो सीधे सीधे फोर्स आपके बीच में पड़ रहा है, तो जब फोर्स आपके बीच में हो, रेसिस्टेंस और एक्सिस के बीच में हो, तो कौन सा उत्तोलक होगा? तो यहां पे होगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध धुरी के एक ही ओर होता है और अनुप्रयुक्त बल धुरी के निकटतर होता है? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध, यानी कि जो फोर्स है और रेसिस्टेंस है, वो धुरी के एक ही ओर होता है और अनुप्रयुक्त बल यानी जो फोर्स है धुरी के निकटतम होता है, धुरी यानी एक्सिस। तो आप जब बल और प्रतिरोध को एक ही ओर रख दिए, ठीक, और जो फोर्स को आप धुरी यानी कि एक्सिस के निकटतम रख दिए, तो कौन सा यहां पे बन गया दोस्तों? कौन सा यहां पे लीवर बन गया, कौन सा उत्तोलक बन गया? तो देखिए बीच में कौन सा है? फोर्स है। और जब फोर्स एक्सिस और रेसिस्टेंस के बीच में हो तो कौन सा उत्तोलक हो जाएगा? तो यहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से बल और प्रतिरोध एक तरफ है और जो फोर्स है यह धुरी के निकटतम है, तो कौन सा उत्तोलक बन गया यहां पे? तो यहां पे आपका हो गया तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। कौन सा उत्तोलक बन गया? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक आपका यहां पे राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट है सामान्य कटिवक्रता, यानी नॉर्मल लंबर कर्व, पश्च उत्तलता, बैकवर्डनेस सूचित करती है दोस्तों। लंबर कर्व यानी कि जो हमारे कमर में अगर कर्व बन जाए, कमर में कर्व बन जाए तो वह किसका उदाहरण होता है? तो कमर में अगर कर्व बन जाए तो लंबर यानी कमर में, तो उसको कहते हैं लार्डोसिस। क्या कहते हैं उसको? लार्डोसिस, ठीक है, उसको कहते हैं लार्डोसिस। तो लार्डोसिस में होता क्या है
लार्डोसिस में आपका, तो लार्डोसिस को हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों कमर वाला भाग आगे की तरफ अत्यधिक कर्व मतलब गड्ढा हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लार्डोसिस। और इसमें इम्पोर्टेंट है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कुबड़ा कहते हैं, इसमें पीस जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर हो जाता है। इसी को हम काइफोसिस, राउंड बैक, हंच बैक आदि, घुमावदार पीठ आदि हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है आपका स्कोलियोसिस, यानी कि मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता, लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन, यानी कि स्पाइन का एक ओर झुकना। इसमें क्या होता है स्कोलियोसिस में, कि शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाता है, और इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। एक आपका बार बार पूछा जाता है बाउल एग या जेनू वर्म, यानी कि बाउल एग या जेनू वर्म, जिसे हम जिसमें घुटने बाहर की ओर दाएं बाएं निकल जाती हैं, ओ की आकृति बनाती हैं। और एक होता है नाकपुनी यानी जेनू वल्गम, ये घुटने आपस में सट जाती हैं, यक्ष की आकृति बनाती हैं। एक आपका होता है चपटा पांव, जिसे फ्लैट फुट बोलते हैं, जिसे पेस प्लेनस भी बोला जाता है, जिसमें आपका पैर के पंजे जो होते हैं उसमें कोई कर्व नहीं बनता, वो एकदम सपाट हो जाता है, समतल हो जाता है। और दो प्रकार के उसमें फ्लैट फुट पे दो प्रकार के आर्च बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जो होता है एड़ी से पैर के अंगूठे तक होता है, एक ट्रांसवर्स जो होता है पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक होता है। एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है पोस्टर डिफेक्ट में पंजा पाव, जिसे क्ले फुट भी बोला जाता है, इसे पेस कैवस भी बोला जाता है, हालो फुट या क्लोटॉज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो तलवे होता है उसमें बहुत सारा गड्ढा बन जाता है, यानी कर्व बन जाता है। तो फ्लैट फुट में इधर एकदम सबतल हो जाता है और क्ले फुट में एकदम गड्ढा बन जाता है, तो पशुओं की खुर की तरह। तो फ्लैट फुट को पेस प्लेनस बोलते हैं और क्ले फुट को पेस कैवस बोलते हैं। ये आपको इतना ध्यान रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी का दाई या बाई ओर झुकाव क्या कहलाता है। दोस्तों यह कहलाता है स्कोलियोसिस पार्श्व कुब्जता। क्या कहलाता है स्कोलियोसिस पार्श्व कुब्जता। यहाँ पे पार्श्व कुब्जता ना देख करके लेटरल डिविएशन भी देगा तो भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि यानी इनसाइट एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड, निम्नलिखित में से क्या संबंध है दोनों में। दोस्तों तो दोनों में संबंध है आपका संपूरक का, परस्पर पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंतर्दर्शन भी और निरीक्षण भी दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है। निरीक्षण से कि प्रयोग से कि जीवन वृत्त से कि प्रश्नावली से। तो हम किसी व्यक्ति का अगर हम कर रहे हैं समस्याओं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, तो यानी उसके जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे, तो जीवन वृत्त यानी बायोग्राफी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रमाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों तो सबसे कम प्रमाणिक कौन होगा, निरीक्षण की प्रयोग की प्रश्नावली। तो यहाँ अंतर्दर्शन जो होगा इसका हम बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो यह सबसे कम प्रमाणिक विधि होगी। ठीक है, यह सबसे कम प्रमाणिक विधि होगी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट करना ही सबसे बड़ा विधि है, हर चीज का प्रयोग करना, तो प्रयोग विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो यहां पे आपका निरीक्षण, अंतर्दर्शन, प्रयोग, तो यहां पे उपरोक्त सभी विधियां हैं। सर्वश्रेष्ठ की बात करेगा तब प्रयोग हो जाएगा, तो सभी उपरोक्त सभी विधियां आपकी विधियां हैं, लेकिन सब प्रमुख आपका हो जाएगा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके साथ किया जाता है, तो यह
शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान के व्यवहार हैं। नेक्स्ट है लोक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यह लोक व्यवहार यानी पब्लिक बिहेवियर का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों संप्रत्यय के निर्माण में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी कि एक प्रतीक होता है, उसके निर्माण में सबसे अंतिम सोपान होता है नामकरण यानी कि नामिंग। नेक्स्ट है संप्रत्ययों का निर्माण निम्न में से किस मानसिक प्रक्रिया से होता है। तो इसका प्रत्यक्ष मानसिक प्रक्रिया से, यानी संप्रत्ययों यानी एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कोई प्रतीक आपने वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यक्ष मानसिक प्रक्रिया से होता है इसका। नेक्स्ट है मनुष्यों के चिंतन के संप्रत्ययों की परिपक्वता निम्नलिखित में से किस व्याख्या से स्पष्ट होती है। तो यह यथार्थवाद से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है मनुष्यों के चिंतन के विकास में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा होता है। तो प्रथम सोपान इसमें आपका होता है सर्वजीववाद एनिमिज में। नेक्स्ट है निम्न में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं। तो इसमें संप्रत्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन है, संप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट है संप्रत्यय निर्माण संबंधी प्रयोग निम्न में से किस विधि से किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं, संप्रत्यक्ष, इन सभी विधियों से किया जाता है संप्रत्यय निर्माण। नेक्स्ट है प्रतिमा सहित चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने निम्न में से क्या माना है। प्रतिमा दोस्तों कहीं पे आपको किसी प्रतिमा को रख लिए, प्रतिमा सहित जो चिंतन है, तो उसको हम किसी वस्तु को देखकर हम चिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिमा सहित चिंतन को हम कहेंगे मूर्त चिंतन। क्या कहेंगे, मूर्त चिंतन। मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या माना है, मूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकेथलॉन स्पर्धा में पहले दिन के आखिरी स्पर्धा और दूसरे दिन के पहली स्पर्धा के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल होना चाहिए। दोस्तों तो 10 घंटे का अंतराल होता है पहले दिन के आखिरी स्पर्धा और दूसरे दिन के प्रथम स्पर्धा के बीच 10 घंटे का अंतराल होता है। और डेकेथलॉन पुरुषों के लिए स्पर्धा होता है, इसमें 10 इवेंट होते हैं और 2 दिन में संपन्न होता है, प्रत्येक दिन 5 इवेंट होता है। इसमें कुल 10 इवेंट यानी 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होता है। ये सभी के बारे में मैंने बताया है, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन के बारे में, उस वीडियो को आप एथलेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी किस यूनानी के, यूनानी देवता के सम्मान में आयोजित होते थे। दोस्तों तो यह जीएस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे, 776 से 394 ईस्वी तक चला, ठीक है, प्राचीन ओलंपिक। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेलों 776 ईसा पूर्व के आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी, तो उस समय केवल दौड़ प्रतियोगिता होती थी और बहुत सारे प्रतियोगिता नहीं थे, बाद में इन सब का खोज हुआ। नेक्स्ट है 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों तो वो था आपका थियोडोसियस प्रथम, रोम का सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेल में 394 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में रोमन सम्राट ने आपका रोक लगा दिया, तो ईस्वी ईसा पूर्व में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री ने के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई हुई। तो वो आर्नेस्ट कॉर्टियस था, कौन था वो, आर्नेस्ट कॉर्टियस के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां हुए थे शुरू। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में शुरू हुआ था 6 अप्रैल को। नेक्स्ट आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 शुरू करने का श्रेय किसको है। तो बैरन पियर डी कुबर्टी जो फ्रांस के हैं।
नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? तो बैरन पियर डी कुबर्टिन को कहा जाता है, इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबर्टिन ने 1894 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहां पर कराया था? तो दोस्तों यह सर्बोन नामक स्थान पर किया था और 23 जून 1894 को इन्होंने आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट, टिबियल्स एंटीरियर निम्न गति कराने में मददगार है। तो टिबियल्स एंटीरियर दोस्तों ये अचल संधि में आता है, तो इसमें तो कोई गति ही नहीं होता है, ठीक है, अचल संधि में आता है तो इसमें कोई गति ही नहीं होता है। एंटीरियर टिबियल्स एंटीरियर में कोई गति ही नहीं होता है, टिबियल्स एंटीरियर में, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? न फ्लेक्शन होता है, न एक्सटेंशन, न एक्सटेंशन फिर यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा खोपड़ी का जोड़, हमारा टिबियल्स एंटीरियर जोड़ जो होता है ये अचल संधि में आता है। नेक्स्ट, दोनों जांघों के मध्य कॉक्सिक से दोनों थैलों के निम्न में कौन स्थित है? तो यहाँ पे यूरेट्रस, यूट्रस, टेस्टिस, ये सभी चीजें यहाँ पे स्थित होती हैं। यूरेट्रस मतलब मूत्र नली होता है, यूट्रस मतलब गर्भाशय, ये सभी चीजें होती हैं जांघ के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट है, पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीचों बीच निम्न में से कौन स्थित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरिन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? जो मूत्र नलिका होती है, यूरिन ट्यूब, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो यूरिन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, यूट्रस यानी गर्भाशय की चौड़ाई प्रायः कितनी होती है? तो ये होती है आपका 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, टेस्टिस का वजन कितना होता है? प्रायः 10 से 15 ग्राम। नेक्स्ट दोस्तों, पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? तो पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ने को हम कहते हैं इनवर्सन। क्या बोलते हैं? इनवर्सन, इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, हिंदी में कंफ्यूज होंगे, वी परिवर्तन यानी इनवर्सन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? इनवर्सन। वही भी अगर क्वेश्चन होता है कि पांव की तली को बाहर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है, तो आपका हो जाता है इवर्सन, ठीक है। अंदर की तरफ मोड़ने को इनवर्सन यानी विपरिवर्तन कहते हैं, और बाहर की तरफ पांव के पंजे को मोड़ने को कहते हैं बहिर्वर्तन यानी इवर्सन। ये दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट है, हथेली को आगे अथवा ऊपर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? आपने सही आंसर दे दिया होगा, हथेली आसमान की तरफ रहेगा, आप पीठ की तरफ लेटे रहेंगे और चेहरा ऊपर रहेगा, ये आपका होता है सुपाइनेशन की पोजीशन, उत्तानन बोलते हैं, सुपाइनेशन की पोजीशन होता है आपका। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, शारीरिक गति या शरीर के अंगों की गति का स्थान, समय, बल तथा संवेगात्मक घटकों के परिवर्तन बदला जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विंटर्स का। नेक्स्ट है दोस्तों, कोहनी यानी एल्बो में निम्न गति होती है। तो जो कोहनी होती है, हमारा एल्बो होती है, तो इसमें कौन सा गति होगी? ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपका मूवमेंट होगा यहाँ पे, लेकिन एब्डक्शन एडक्शन नहीं होगा, ये हमारे कंधे में होता है। ये आपको ध्यान में होना है कि कंधा जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एब्डक्शन एडक्शन सभी प्रकार की गतियां कर सकता है। नेक्स्ट है, व्यायामियों की लगभग 20% चोटें कंधों से संबंधित होती हैं, और सबसे अधिक कुश्ती, बेसबॉल खेल के मैदान की गतिविधियों से होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रास वर्क नेल्सन का।
नेक्स्ट है वे अस्थियां न तो लंबी होती हैं, न लघु होती हैं, न चपटी होती हैं, तो क्या होती हैं? तो किस श्रेणी में आती हैं? न लंबी ही है, न लघु ही है, न तो चपटी ही है, तो वो आती हैं आपकी इस ऑप्शन में देने के अनुसार आपका हो जाएगा अनियमित अस्थियां यानी इरेगुलर बोन। आकार आकृति के आधार पर पांच भागों में हड्डियों को बांटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमोइड बोन। लॉन्ग बोन में आपका हाथ पैर की ह्यूमरस एंड रेडियस अल्नाई सब आ जाएंगी। चपटी में आपका हमारा खोपड़ी का हड्डी आ जाएगा, हमारा कंधे का हड्डी आ जाएगा। एंड शॉर्ट बोन में हमारा कार्पस और टॉर्सस, कलाई और टखने की हड्डियाँ आ जाएंगी। इरेगुलर बोन में हमारा अनियमित में हमारा चेहरे की और रीढ़ की हड्डियाँ आ जाएंगी। और सिसमोइड बोन में हमारे टेंडन के पास, जोड़ों के पास की हड्डियाँ आ जाती हैं। ठीक है, ये पांच प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, उद्दीपित होने पर छोटे तथा मोटे आकार में परिवर्तित होना की योग्यता क्या कहलाती है? तो दोस्तों, छोटे या मोटे, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तब तो वो छोटा मोटा होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकुचनशीलता यानी कि कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, संकुचनशीलता हो जाएगा जब उद्दीप्त होने पर छोटे या मोटे आकार में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी यानी संकुचनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य लंबाई से अधिक फैलने तथा खींचने की योग्यता निम्न में से क्या कहलाती है? जब वह सिकुड़ करके छोटा मोटा हो गया तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी या संकुचनशीलता कहलाती है, लेकिन सामान्य लंबाई से अधिक फैलने और खींचने को हम क्या कहेंगे? वो फैलेगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा? वो लचक यानी कि उसे इलास्टिसिटी उसको बोलेंगे। क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। प्रसारणीयता भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब जोड़ों की अधिक फैलने या खींचने की बात आएगी तो वो आपका हो जाएगा लंबाई से अधिक, तो आपका इलास्टिसिटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का अंग है, जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, तो वो कथन किसका है? दोस्तों, जेबी नेस की परिभाषा है। ये परिभाषा बार बार रिपीट हो रहा है हर परीक्षा में, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है ए आर वैमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? दोस्तों, तो वह होता है आपका ब्रिक यानी कि किडनी। रक्त का फिल्टर कौन करता है? तो किडनी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।